नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी कृष्णा चौहान और आपका हक इन क्रेस ऑफ टेक में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज लेसन नंबर 5 में टोकेंस एंड करेक्टर सेट्स इन सी प्रोग्रामिंग, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। अब जैसा कि बात हो रही है लैंग्वेज की, तो सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हमारे अक्षर होते हैं या हलंत होते हैं, इन सभी को टोकन कहा जाता है। और हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के छोटे से छोटे जो अक्षर होते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं, उनको सी टोकन कहा जाता है। यानी कि छोटे से छोटी इकाई या छोटे से छोटी यूनिट जो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं या सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ करते हैं, वो है हमारा सी टोकन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैंने छोटी सी डिफाइन लिखी हुई है कि द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर इज द टोकन। यानी कि टोकन वो है जो कि आपका इनिशियल यानी कि मूलभूत आपका एलिमेंट है जो कि आपके कंपाइलर द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपके कंपाइलर द्वारा पहचाना जाता है। तो दोस्तों, सी टोकन्स को हम थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो अ टोकन इज अ सोर्स प्रोग्राम टेक्स्ट दैट द कंपाइलर डजंट ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट्स एलिमेंट। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर सारे प्रोग्राम में जो भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, उन सभी को टोकन में कलेक्ट करता है। फिर टोकन क्या करता है, टोकन आपकी बेसिक वोकैबुलरी बनाता है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए। और उसके बाद कंपाइलर चेक करता है कि टोकन जो भी आपके यूज़ हुए हैं, वो बिल्कुल लीगल तरीके से यूज़ हुए हैं या फिर लीगल तरीके से यूज़ नहीं हुए हैं। और यहाँ पर लीगल तरीके को मैं आपको दोबारा से एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने आपके लेक्चर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था। यदि आपका प्रोग्राम उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है और आपने टोकन्स का यूज़ किया हुआ है, तो आपका वो प्रोग्राम लीगल होगा, यानी कि आपकी लीगल स्ट्रिंग्स उसमें यूज़ हो रही होंगी। यदि आप टोकन्स का यूज़ नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, वो नहीं है, तो वो लीगल नहीं होगा। तो कंपाइलर हमेशा चेक करता है, यदि आपका लीगल है प्रोग्राम, तो उसे कंपाइल कर देगा, रन करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। और यदि लीगल नहीं है, तो वो आपको एरर शो करेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 तरीके के टोकन्स हमारी ANSI C में एग्जिस्ट करते हैं। उनके नाम कुछ इस तरह हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जिसको हम स्ट्रिंग नाम से भी जान लेते हैं, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशन या स्पेशल सिंबल। हम सभी सी टोकन्स को नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में इन सबको कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है करेक्टर्स यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स। यानी कि हमारे किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम किस किस तरह के करेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट्स। तो लोअर केस लेटर आपके A to Z यानी कि स्मॉल लेटर जो होते हैं वो हैं। अपर केस लेटर में ABCDEF, ये कैप्स लेटर यानी कि अपर केस कैपिटल लेटर होते हैं। और डिजिट्स 0 to 9 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉलो की जाती है। उसके सिवा अदर करेक्टर्स और भी हैं, जैसे प्लस, माइनस, एस्ट्रिक मल्टीप्लाई को बोलते हैं, स्लैश या फिर आप इसको अपॉन बोल सकते हैं, इक्वल टू, ब्रैकेट, और ये सभी आप जो करेक्टर्स देख पा रहे हैं, परसेंटाइल, डॉलर, हैशटैग, etc, ठीक है। और एक वाइट स्पेस करेक्टर्स होते हैं, यानी कि हमारे प्रोग्राम में अगर हमको कहीं पर स्पेस देना होता है, तो उसके लिए हम कौन से करेक्टर्स का यूज़ करते हैं, वो है हमारे वाइट स्पेस करेक्टर्स। तो जैसे ब्लैंक के लिए हम कुछ और करेक्टर यूज़ करते हैं, न्यू लाइन के लिए /N लिख देते हैं, टैब के लिए /T लिख देते हैं। ये हम जैसा कि प्रोग्राम में बात करते रहेंगे, उस तरह से मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सी टोकन्स और करेक्टर सेट को डीपली समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, जिसका नाम hakincraceofttech.blogspot.in है। आप यहाँ पर जाकर लेसन वाइज अपने चैप्टर्स को देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।